हेलो फ्रेंड्स टुडे वी टॉक अबाउट समरी ऑफ चैप्टर इलेवन संस्कृत दुर्जया सो लेट्स स्टार्ट आवर चैनल इज वी विल सक्सीड एंड माय नेम इज़ आदित्य शर्मा सो दिस इज द कोट ऑफ द डे ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर एब्सोल्युटली यूनिक जस्ट इवन एवरीवन एल्स हमेशा याद रखना कि आप सबसे अलग हो सिर्फ दूसरों की तरह सो दिस इज द कोट ऑफ द डे नाउ मूव चैप्टर इलेवन ही दुर्जया ओके दिस दी चैप्टर इलेवन ही दुर्जया पाठ का सारांश प्रस्तुत है एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी एक बार कोई मस्त हाथी आया और वृक्ष का वृक्ष की शाखा तोड़ी और फेंक दिया इससे चिड़िया के बच्चे पृथ्वी पर गिरकर मर गए संत नाश से दुखित उस चिड़िया को काष्ठकूट पक्षी वीणा मक्खी ने पास ले लिया उसकी बात सुनकर वह मक्खी उसे मेढक के पास ले गई ओके इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि एक चिड़िया रहती थी और कोई मस्त हाथी आया और उस वृक्ष की जो है शाखा तोड़ के फेंक दी जिससे जो है चिड़िया जो है उसके जो संतान है उनका नाश हो गया और दुखी चिड़िया विलाप करने लगी तब काष्टूट यानी वुड नामक पक्षी आया और उसकी जो दोस्त है मक्खी उसे भी अपने साथ ले आया और उन्होंने चिड़िया को सलाह दी कि मेड़क के पास ले चलो मेढक का पूरा नाम मेड़क मेघनाथ था ओके तो चलिए सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं उन सभी ने मिलकर एक योजना बनाई योजना के अनुसार मक्खी ने हाथी के कान में मीठा मीठा गुनगुनाया मस्ती की दिशा में वह आंखें बंद किए पड़ा रहा इसी समय कष्टकूट ने उसकी आंखें चोंच से फूल डाली प्यास से व्याकुल वह हाथी यत्र तत्र घूमने लगा यानी कि दोपहर का समय था उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया मक्खी ने हाथी के कान में गुनगुनाया जिससे हाथी जो है मस्ती से पड़ा रहा आंखें बंद कर कर कूट यानी वुड पै आप जानते ही हैं लकड़ी में छेद कर देता है अपना घौसला बनाने के लिए तो उसने हाथी की भी चोंच से जो है उसकी आंखें जो है फोल डाली और जो हाथी को प्यास लगी तो वह इधर उधर जलाशय की तलाश में घूमने लगा एक गड्ढे के पास मैडक ट्र ट्र की आवाज निकालने लगा उस तालाब समझकर हाथी जो है गड्ढे में गिर गया और मर गया अंत कहा गया है कि मेल या एकता दुर्जय होती है यानी कि गड्ढे के पास मैडक टर टर्र की आवाज निकालने लगा तो हाथी को लगा कि जो है तालाब है उसके पास तो वह उसके पास भागने लगा तालाब की खोज में तो वहाँ पर एक बड़ा विशाल गड्ढा था तो हाथी उसमें गिर गया और मर गया तो इसलिए कहा गया है कि अगर निर्बल व्यक्ति प्लान बनाए और प्लान को अंजाम दे तो एक विशाल और खतरनाक प्राणी भी जो है वह उनके आगे कुछ नहीं होगा तो ये थी हमारी छोटी सी समरी चैप्टर एलेवन की ओके अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हम वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें